सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः बोले 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। मौसम भी ठंडा हो गया, फिर आपसे जयकारा क्यों नहीं बोली जा रही है? बोलिए भूगर्भ से प्रकटित श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की। गाड़ी तो अच्छी है मगर धक्का मार है। बोले चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान, विश्ववंदी महावीर भगवान, जिनवाणी माता की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूजाचा गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। तीनों लोकों में एक मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जो व्यापार करता है। तीनों लोकों में मात्र धरती की बात नहीं कर रही, तीनों लोकों में मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो व्यापार करता है, लेन देन करता है, हिसाब किताब लिखता है। देवता करते हैं क्या? नहीं। नारकी करते हैं क्या? नहीं। पशु करते हैं क्या? नहीं। पक्षी करते हैं क्या? चारों गति के जीव, बचा मनुष्य। मनुष्य इसके बिना रह नहीं सकता, इसको तो काम चाहिए। बिना काम का तो ये भूत है, कहते हैं ना खाली दिमाग। यदि इसके पास में काम ना हो तो ये बहुत गड़बड़ करेगा। इसलिए व्यापार जैसा एक कर्म भूमि में बना दिया भगवान आदिनाथ ने। कर्म भूमि की शुरुआत में ही असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प की शिक्षा दे दी। लगे रहो। जब से शुरू हुए तो तुम, तुम्हारे दादाजी, उनके दादाजी, उनके दादाजी, सब लगे रहे, तुम भी लगे रहो। और लोभ कषाय एक ऐसी अंदर में बैठी होती है, सारी जिंदगी तुम्हें लगाए रखती है, उसी के कारण मन लग रहा है। यदि लोभ कम हो जाए ना तो व्यापार में मन लगने वाला नहीं है। ये लोभ खींचता है, ये भी इकट्ठा कर लो, ये भी इकट्ठा कर लो। कल एक व्यक्ति यहाँ आए थे, बांसवाड़ा के थे, काफ़ी लोग आए थे। उसमें एक वकील साहब हैं पंकज जी, बांसवाड़ा के। वो अपनी कमाई का 90% हिस्सा दान करते हैं, 90%। 10% में केवल कपड़ा और खाना खुद के लिए है, बाकी बहुत बड़ा संत निवास बनवा दिया, छात्रावास बनवा दिया, गौशाला खोल दी, उसमें 250-300 गाय हैं और खरगोश कबूतर सबके लिए एक अस्पताल बनवा दिया। जितनी कमाई होती है वो सारा इसी में लगाते हैं, और केवल खाने का और कपड़े का, अपने बच्चों के लिए भी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। बच्चे अपने भाग्य से खुद कमाएंगे, मैं इकट्ठा क्यों करूं? और लोग यदि अपनी कमाई का 10% भी दान कर दें 100 में से, तो बहुत बड़ी बात है। लोभ कषाय कम होनी चाहिए। यदि लोभ कषाय कम है तो ही दान हो सकता है, नहीं तो दान नहीं हो सकता है। तो व्यापार ये दिन भर धूप में घूमता है, बारिश में घूमता है, बीमारी में भी भागता है। कौन भगा रहा है ये? कौन सी अंदर ऐसी शक्ति बैठी है जो तुम्हें भगाए जा रही है? ये भी इकट्ठा करो, वो भी इकट्ठा करो। लोभ कषाय है तो सबके पास, पशुओं के पास भी है, देवताओं के पास भी है, नारकियों के पास भी है। लेकिन जितनी लोभ की पूर्ति करने में मेहनत मनुष्य करता है, कोई और नहीं करता है। व्यापार, इसने सबका व्यापार कर लिया मनुष्य ने। पशुओं का व्यापार करता कि नहीं करता? घोड़ा बेचते हैं, गधा बेचते हैं,
कुत्ता बेचते हैं, भैंस बेचते हैं, गाय बेचते हैं, ऊंट बेचते हैं, बकरी बेचते हैं, हैं? और नहीं भरा भी मन, मार के बेचते हैं और तुम खरीदते हो। वो बेचते हैं और तुम खरीदते हो, मार के बेचते हैं, जिंदा बेचते हैं, और जो सड़कों पे पड़ा होता है मरा हुआ उसके ठेके होते हैं, इसका भी व्यापार होता है। देवताओं की शक्तियों का उपयोग कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। उसे वश में कर लेते हैं और उससे काम करवाते हैं। हर कोई नहीं कर सकता है, लेकिन करता मनुष्य ही है। ये सबकी अपनी अपनी पावर होती कि कौन कर सकता कौन नहीं कर सकता है। तो देवताओं का भी उपयोग किसने किया? मनुष्य ने किया। मनुष्यों का उपयोग मनुष्य कर रहा है, पूरा भरा पड़ा है स्वार्थ से। जब तक स्वार्थ होगा, कहते हैं कि थके युवा बैल को हर कोई पूछे। ये पहले की बात है, अब तो गाड़ियां चल गई। पहले जब बैल गाड़ी चलती थी तो जो बैल जवान होता था, काम करता था, उसका बड़ा ध्यान रखते थे, समय पे पानी देते थे, समय पे सब करते थे। थके बैल की कोई बात ना पूछे। तो मनुष्य का उपयोग स्वार्थ में यदि कोई सबसे ज़्यादा कर रहा है तो मनुष्य ही कर रहा है, यूज कर रहा है। पहले रिश्ते प्रेम के होते थे, अब रिश्ते उपयोग के और स्वार्थ के होते हैं। पहले गांव का दामाद पूरे गांव का होता था, यदि एक लाला जी आ गए तो सारे गांव में हल्ला हो जाता था। अब उसका है, वो जाने, उसका काम जाने, हम क्यों पूछे। अब ये बात है कि नहीं है, बताइए। तो स्वार्थ बढ़ता चला जा रहा है, और जितना जितना स्वार्थ बढ़ रहा है उतना उतना पाप बढ़ रहा है। यहाँ हम पढ़ते हैं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। और यहाँ स्वार्थ के बिना कोई काम ही नहीं होता है, सोच ही नहीं है स्वार्थ के बिना। स्वार्थ के बिना मुस्कुराते नहीं है किसी को देख करके। अरे फालतू काम का तो है नहीं, उसको देख के मुस्कुराओ, मैं नहीं बोलूंगी उससे। ऐसा करते कि नहीं करते हो? बिना स्वार्थ के तुम मुस्कुराते भी नहीं हो। अरे सीखो, बिना स्वार्थ के तुम्हें सूरज कितनी धूप देता है। धूप के बिना क्या तुम रह सकते हो? सूरज के बिना क्या रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, हैं? जब तक सूरज चांद रहेगा, आगे बोलो, जब तक सूरज चांद रहेगा, नहीं, जैन धर्म का नाम रहेगा। यानी जैन धर्म कब तक है? जब तक सूरज है। जैन धर्म कब तक है? जब तक सूरज है। जिस दिन प्रलय आएगी, सूरज नहीं होगा, ये धरती खत्म हो जाएगी। सूरज अभी बारिश आ रही है, अभी 2-4-10 दिन सूरज ना निकले, सड़ांध फैल जाएगी धरती पर, जगह जगह सड़ने की बीमारियां होने लगेंगी, और बाहर तो होंगी होंगी, शरीर में इतनी नमी आ जाएगी कि कहीं भी फंगस लग जाएगी, शरीर में भी सड़ने की क्रिया शुरू हो जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। यदि मान लो सूरज ना निकले तो बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी। बरसात के दिनों में डॉक्टर कहते हैं, आजकल टाइम नहीं मिल रहा, सीजन का समय है ना, मतलब यदि डॉक्टर के यहाँ पेशेंट ना आए तो माता जी आशीर्वाद दो। मैंने कहा ये कौन सा आशीर्वाद मांग रहे हो आप, कि लोग बीमार हों फिर तुम्हारे यहाँ आए तो मैं पहले बीमार होने का आशीर्वाद दूँ? ना ना, मैं नहीं देती, मैंने कहा। और जब सीजन का समय, माता जी आपने बहुत अच्छा आशीर्वाद दिया। अरे मैंने तो दिया ही नहीं था, भगवान से भी चलो मैं नहीं दे पाऊंगी तो तुम भगवान से मांग लोगे? भगवान तो बोलते नहीं है ना, भगवान तो बोलते नहीं, चाहे जो मांग लो वहां से। तो कहने का मतलब ये है कि सूरज के बिना जीवन नहीं है। लेकिन सूरज आपसे कभी कुछ मांगता है क्या? यदि मनुष्य बिजली आपको दे रहा है, रात में लाइट जलाते हो ना, है, लाइट का उपयोग करते हो ना, बिल आता है नहीं आता? आता है, भरना पड़ता है,
और ना भरो तो कट जाएगी। सूरज ने आपको कभी कोई बिल दिया? नहीं दिया। लाइन काटी आज तक? नहीं काटी आज तक। बिना स्वार्थ के कैसे दे रहा है? बिना स्वार्थ के। जैसे सूरज बिना स्वार्थ के काम करता है, ऐसे अपने जीवन में हमें भी कुछ काम बिना स्वार्थ के करने चाहिए। कभी किसी को रास्ता दिखाना हो, कभी किसी को कुछ सेवा करनी हो, किसी को कुछ देना हो, बिना स्वार्थ के। हमने उसको दिया तो वो हमें दे, ऐसा सोच के मत दो। दे दिया सो दे दिया, बस अब आगे नहीं सोचना है। सूरज की तरह बनो। जो सूरज की तरह होगा वो ही सूरज के जैसे दे सकता है। जो सूरज की तरह होगा वो ही सूरज के जैसे दे सकता है, और जो सूरज के जैसे दे सकता है वो ही सूरज जैसे बन सकता है। सूरज बन, कहते ना भाई वो तो सूर्य के समान महापुरुष है, चमकता है, उपमा दी जाती है। तो उसने क्या किया? उसने संसार को बहुत कुछ दिया है। भगवान को भी कहते ना, भक्तांबर में आप लोग कहते ना कि सूरज की तरह है, चांद की तरह है, भगवान कहते नहीं कहते हो? तो क्यों कहा? जैसे सूरज निस्वार्थ दे रहा है, ऐसे भगवान की कृपा हमें भी निस्वार्थ मिल रही है। बदले में भगवान हमसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। दूसरा, बारिश का मौसम आ गया है। अभी गर्मी थी तो कैसा लग रहा था? अरे बोलो ना, थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा देना। घबराहट हो रही थी, रात को नींद भी नहीं आ रही थी, बहुत परेशानी हो रही थी। हो रही थी ना, हैं? कहीं शिकंजी बना के पी रहे, कहीं जूस पी रहे, कहीं लस्सी पी रहे, कहीं कोल्ड ड्रिंक पी रहे। पिलाए जा रहा वो, गर्मी किए जा रहा, तुम पिए जा रहे। तुम नहीं पी रहे, वो पिला रहा है। तुम नहीं पी रहे, अब पी के बताओ। खूब बारिश हो रही हो फिर नींबू की शिकंजी पी के बताओ, पता चल जाएगा। तो वो पिला रहा है, तुम नहीं पी रहे हो। तुम ये मत कहो कि मैं पी रहा हूँ, तुम ये कहो कि वो पिला रहा है। इसमें दो बात है, मैं पी रहा हूँ करता, मैं नहीं पी रहा हूँ उसके कारण पी रहा हूँ। तो वो करता हो गया, हम तो कारण हो गए। अब बारिश का मौसम आ रहा है ना। अभी गर्मी बहुत थी, तूफान आया, थोड़ी सी भी बारिश आई, आपने राहत की सांस ली, बहुत अच्छा लग रहा, क्या मौसम है, ओहो हो, आनंद आ रहा है, क्या फुहार चल रही है, आनंद आ रहा है। अभी कूलर चलाओ, पानी भी भरना पड़ेगा, बिजली का बिल भी देना पड़ेगा, कूलर भी खरीद के लाना पड़ेगा, कितना खर्चा है बताइए मुझे। यदि मनुष्य तुम्हें सुख देता है तो बदले में बहुत कुछ लेता है, और ऊपर वाला तुम्हें सुख दे रहा है तो बदले में कुछ भी नहीं ले रहा है। तो तुम्हें इस चीज से भी शिक्षा लेनी चाहिए कि बादल बारिश करते हैं, कभी ये सोच के नहीं करते हैं कि ये अमीर का आंगन है, यहाँ बरसों यहाँ ना बरसों, ये गरीब का खेत है, अरे काय को बरसना इसके यहाँ। अमीर मेरी तारीफ करेगा, उसके यहाँ बरसों। तुम दान देते हो तो कैसे देते हो? जहाँ तुम्हें तारीफ मिलने की उम्मीद होती है वहीं दान देते हो। हाँ मेरे लिए उसने इतना बोला, बहुत बोला, अरे मैं तो दे आया, वो तो और मांगता तो मैं तो और दे आता। जहाँ तारीफ मिलने की उम्मीद हो वहाँ तुम देते हो, और जहाँ तारीफ मिलने की उम्मीद ना हो वहाँ तुम नहीं देते हो। ये बादल से सीखो कि चाहे गरीब का खेत हो चाहे अमीर का खेत हो, बराबर से देता है, कभी भेदभाव नहीं करता है। तो कभी देने के मामले में जब नंबर आए और आपका मन करे कि इसको देना है तो वहाँ सोचना मत, उसको ज़रूरत हो तो ज़रूर देना। चाहे वो तुम्हारा पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारा रिश्तेदार हो, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए देने के मामले में यदि आपने सोच लिया कि पता नहीं इसका उपयोग सही करेगा कि गलत करेगा, एक होता है करुणा दान, चार दान तो होते ही होते हैं, एक होता करुणा दान। करुणा दान पता है किसे कहते हैं? मन में करुणा आई और दे दिया, पीछे पलट के नहीं देखता है अब ये उपयोग करेगा कि नहीं करेगा, यदि सदुपयोग करे तो दूं, नहीं करे तो ना दूं, ऐसा विचार करते ना कई बार।
करना भी चाहिए, एकदम कूदान भी नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जब कोरोना आती है तो फिर देखा भी नहीं जाता है, फिर वहाँ सीधे दिया ही जाता है ना। तो इस तरह से आप भोजन करते हो ना, अरे बोलिए ना, हाँ, सारे भोजन का रस बनता है क्या कि वेस्टेज भी जाती है? अरे बोलो ना, वेस्टेज भी जाती है। अच्छा, तो फिर काय को खाना? वेस्टेज जा रही तो फिर काय को खाना? ऐसा सोचोगे नहीं सोचोगे? नहीं, अरे जितना रस बनेगा 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 तो सही। ऐसे देते समय सोचो कि भाई दे दिया, जितना उपयोग करेगा करेगा, और नहीं तो जैसा हो रहा ठीक है। ऐसा भी कई बार भाव मन में आ जाता है। तो बादल से सीखो निस्वार्थ रूप से देना, फिर उसमें देने में देखना नहीं है। हालांकि भगवान महावीर कहते हैं कि जब दान देते हैं तो कुपात्र में यदि दान चला जाए तो फिर वो कुभोग भूमि का कारण बनता है। तो सूरज से, मेघों से, कहाँ से आते हैं? समुद्र से पानी भर भर के लाते हैं। कहाँ से लाते हैं? समुद्र से। समुद्र कहाँ है? यहाँ से कई किलोमीटर दूर है, 1,000-2,000 तो हो गई ना। समुद्र यहाँ से जहाँ हम बैठे हैं 1,000-2,000 किलोमीटर दूर होगा ना। तो बादल क्या करते हैं? समुद्र से पानी भर भर के लाते हैं। और तुमसे कोई एक गिलास पानी पीने के लिए मांगे तो कितना जोर पड़ता है? अरे बोलिए ना, पड़ता कि नहीं पड़ता है? वो बादल तुम्हारे लिए समुद्र से पानी भर के लाके यहाँ बरसा रहा है और तुम्हें एक गिलास देने में जोर पड़ रहा है। तुम तो मेघों से भी कई बीते हो गए। यदि कोई एक गिलास पानी मांग ले, तुम सीरियल देख रहे हो तो गुस्सा आ जाता है, आता है नहीं आता है? तो कम से कम अपनी सोच को थोड़ा बड़ा बनाओ। और सारे संसार को यदि देखते हो तो देख करके सोचो। बादलों को देखो तो बादलों को देखकर सोचो, सूरज को देखते हो तो सूरज को देखकर सोचो, धरती पे बैठे हो तो धरती के लिए सोचो, सांस ले रहे हो तो हवा के लिए सोचो, पेड़ों को देखते तो पेड़ों के लिए सोचो। अपनी सोच को थोड़ा बाहर निकालो, केवल सजने संवरने और खाने पीने तक सीमित मत रहो। केवल इसलिए हमने मनुष्य पर्याय में जन्म नहीं लिया है कि हम केवल इस जिंदगी को खा पी के मजे करके, अच्छा पहन ओढ़ के, बढ़िया फोटो खिंचा के, सेल्फी लेके जिंदगी पूरी करते हैं, इसी में लगे रहते। कहीं जाओ, दिमाग इससे बाहर रहता ही नहीं है। यह तो कंप्यूटर में रहेगा, कंप्यूटर से निकले तो लैपटॉप में रहेगा, लैपटॉप से निकले तो मोबाइल में रहेगा, मोबाइल से निकले तो टीवी में चले गए, टीवी से निकले तो खाने में चले गए, खाने से निकले तो पहनने में चले गए, पहनने से निकले तो निंदा बुराई में चले गए, निंदा बुराई से निकले, अब कहाँ जाओगे? अब आप ही जाओ। अपनी सोच को थोड़ा और आगे बढ़ाओ, केवल इसी में मत लगे रहो। ये शरीर के कीड़े मत बने रहो, शरीर के कीड़े तो शरीर में ही रहते हैं, सारे दिन शरीर के लिए सोचते हैं। इससे बाहर निकल के थोड़ा अपने लिए सोचो, अपनी आत्मा के लिए सोचो, थोड़ा बाहर प्रकृति के लिए सोचो कि दुनिया हमारे लिए कितना सुख दे रही है। हमें सूरज हमें सुख दे रहा है, बादल हमें सुख दे रहे हैं, धरती हमें रहने को जगह दे रही है, हवा हमें दिन भर प्राणवायु दे रही है, और हम किसी को कुछ नहीं देते हैं। इतने स्वार्थी हो गए हम। जब देने का नंबर आता है तो मुट्ठी बंद हो जाती है, जब सेवा का नंबर आता है तो ये हाथ पीछे हो जाते हैं। नहीं, यदि ऐसा आपने किया तो समझना कि मनुष्य जन्म पाकर भी हमने ये जन्म बेकार कर दिया। किसी इन हाथों से एक गिलास पानी ना पिला पाए, इन हाथों से हम किसी को खाना ना खिला पाए, इन हाथों से हम आहार ना दे पाए, तो ये हाथ मिले क्यों है? फिर तो वो चार पैर वाले ही ठीक है, उनके पास बहाना तो है ना, हमारे पास हाथ नहीं है तो हम आहार कैसे दें? अरे बोलिए ना, बहाना तो है कम से कम उनके पास में। इस जन्म में हाथ मिले हैं और इन हाथों से पूजा ना करें, अभिषेक ना करें, दान ना दें, तो अगले जन्म में ये हाथ क्या बन जाएंगे? नहीं नहीं, आपके लिए नहीं कह रही मैं, आपने तो किया है, आपने पूजा भी करी है, अभिषेक भी किया है, आपने तो बहुत अच्छे अच्छे काम किए, आपकी बात नहीं कर रही, वो जो नहीं करते हैं ना उनकी बात कर रही हूँ। संसार में
सारी दुनिया हमें शिक्षा दे रही है। शिक्षा केवल स्कूल में नहीं मिलती है, सीखने वाला हो तो एक पेड़ के पत्ते से भी सीख सकता है, और नहीं सीखने वाला हो तो सारी ज़िंदगी पढ़ता रहेगा तो भी सीखने वाला नहीं है। और स्कूल में सिखाया क्या जाता है? अक्षरीय ज्ञान, संस्कार विहीन ज्ञान। वर्तमान में कौन सा स्कूल में कौन सी शिक्षा चल रही है? संस्कार विहीन शिक्षा चल रही, जो इंसान को पतन की ओर ले जा रही है। अकेले ये पढ़ाई करने से नहीं जाते हैं, पढ़ाई के साथ साथ ये पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं। जितने सात व्यसन होते हैं, सात व्यसनों में फंस जाते हैं। आज की शिक्षा इंसान को सात व्यसनों की तरफ लेके जा रही है। स्कूल पढ़ने जाते वहाँ जुआ भी खेल लेते हैं, शराब भी पी लेते हैं, सिगरेट भी पी लेते हैं, पुड़िया भी खानी शुरू कर देते हैं, स्त्री सेवन भी शुरू हो जाता है, चोरी भी शुरू हो जाती है, क्योंकि इच्छाएं पूरी करनी है तो चोरी भी शुरू हो जाती है। ये शिक्षा है? इसका नाम शिक्षा है? एक गुरुजी थे, अपने शिष्य को पढ़ा रहे थे, बेटा आत्मा अलग है, शरीर अलग है। एक दिन पढ़ाया, दो दिन पढ़ाया, तीन दिन पढ़ाया, समझ में नहीं आई उसकी बात। एक दिन वो पेड़ के नीचे बैठा था, एक पत्ता पेड़ से टूटा, उसने देखा ये पत्ता टूटा, नीचे गिरा, हवा उड़ा के ले गई। उसे ज्ञान हो गया, दौड़ के गया गुरुजी के पास, गुरुजी ज्ञान हो गया, जैसे ये पत्ता पेड़ से टूटा और ना जाने कहाँ जाके गिरेगा, ना जाने कहाँ जाके पड़ेगा, ऐसे शरीर में से आत्मा निकल जाएगी और ना जाने कहाँ जाकर के गिरेगी। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, पेड़ अलग है, पत्ता अलग है, ज्ञान हो गया। ज्ञान लेना हो तो तुम्हें बादल, सूरज, चांद, सितारे कोई भी दे सकता है। वर्तमान का जो स्कूली ज्ञान है वो तो संस्कारों से दूर लेके जा रहा है, सुख की तरफ नहीं ले जा रहा है। ये मत मानना कि उससे सुख है, यदि उसमें सुख होता तो भगवान महावीर पहले बता देते कि अरे पंचम काल में बहुत सुख मिलेगा। लेकिन पता है पंचम काल है, दुखमा काल है, दुख बढ़ेगा, और इतना दुख बढ़ेगा कि आदमी ऊपर से तो लगेगा गुलाब का फूल और अंदर से बिल्कुल रोता हुआ। अब वही समय आ रहा है, इन बाल खुले लोगों को देख के, ओंठों पर लाल लिपस्टिक देख के, सजे संवरे देख के मत समझना कि ये सुखी है। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं कर रही, आप सब तो बहुत सुखी हैं। ध्यान रखना, सुख इनसिन कपड़ों से नहीं आता। यदि कपड़ों से सुख होता तो हमारे भगवान कपड़े क्यों छोड़ते? यदि परिवार में सच्चा सुख होता, सच्चा सुख, तो भगवान परिवार क्यों छोड़ते? यदि इधर उधर की बात करने में सुख मिलता तो भगवान मौन लेके क्यों बैठते? उनको सुख मिला अपनी आत्मा के ध्यान में, और इसीलिए वो सब कुछ छोड़कर अपने ध्यान में ऐसे लीन हुए, बाहर ही नहीं निकले। ऐसे लीन हुए, बाहर ही नहीं निकले। ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, बस लीन हो गए। और उसी लीनता में जो कर्मों का नाश हुआ, उन्होंने उसे मोक्ष पहुंचा दिया। तो बंधुओं, गुण ग्रहण का भाव रहे नित, मेरी भावना की ये वाली लाइन चल रही है कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि न दोषों पर जावे। तो जो बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं, बाहर पढ़ने जाते हैं, वो गुण ग्रहण करके आते हैं कि अवगुण ग्रहण करके आते हैं? ऐसे अवगुण ग्रहण करके आते हैं कि पूरा परिवार दुखी हो जाता है। बोले करते कि नहीं करते हैं? हैं, बाहर जाके अपनी मर्जी से जो मनाए वो कराते हैं, और बेचारे माँ बाप, इस समय के माँ बाप वास्तव में परेशान हैं। नहीं, आने वाली पीढ़ी परेशान नहीं होगी, क्योंकि वो रूटीन बन जाएगा फिर वैसा। अभी की पीढ़ी परेशान है, पहले अपनी सास से परेशान थी, अब अपने बच्चों से परेशान है। एक दो पीढ़ी आने के बाद में कल्चर वैसा हो जाएगा जैसा विदेश में है। बच्चा
जैसे विदेशों में ये नियम है कि 10वीं पास करने के बाद माता पिता के से कानूनी लेटर मिल जाता है बच्चे को कि अब आपकी शिक्षा और आपका हमने पूरा कर दिया, अब आप हमारे यहाँ से जा सकते हो। वहाँ का ये नियम है, कानून है। फिर यदि वो बच्चा वहाँ रहना चाहेगा तो एप्लीकेशन देगा अपने माँ बाप को कि मैं आपके पास रहकर पढ़ना चाहता हूँ और जो खर्चा होगा मैं अपना खुद उठाऊंगा, या नहीं उठा पाए तो निवेदन करेगा, तो माँ बाप उसे अपने घर में रखते हैं। तो 2-3 पीढ़ी बाद ये कल्चर यहाँ भी आ जाएगा। 50 साल लगेंगे आने में, लेकिन शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है। तो ये मत समझना कि ये बहुत अच्छा वाला है। बंधन में सुख भी है। मर्यादा को जो बंधन मानते हैं वो दुखी रहते हैं, और मर्यादा के बंधन में रह के जो जीते हैं वो सुखी रहते हैं। अनुशासन बंधन नहीं है, अनुशासन सही रास्ता मंजिल पर पहुंचाने का है। जैसे नदी है, दो तटों के बीच में बह करती के मंजिल तक पहुंचती है, और दो किनारों का बंधन ना हो तो बिखर जाएगी कहीं भी। ऐसे ही आजकल के बच्चे बंधन तोड़ के जी रहे हैं, कहीं भी बिखर जाएंगे। एक तरफ ससुराल का बंधन, एक तरफ पीहर का बंधन। यदि इन दोनों के बीच में वो सही तरह से चलते हैं तो वो उनके वो आखिरी जिंदगी तक अच्छे से रहेंगे, और इन दोनों बंधनों के बीच में यदि वो नहीं रहना चाहते हैं तो वो बिखर जाएंगे कहीं भी। अभी कल ही चर्चा आई थी कि एक जगह पे कहीं कोई नई कॉलोनी है, कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न कॉलोनी है, वहाँ करीब 100 परिवार जैनों के थे और सारे बढ़िया ऑफिसर क्लास के लोग, और कोई 1 लाख रुपए महीने कमा रहा, कोई 2 लाख रुपए महीने का, बड़े एजुकेटेड लोग थे। तो वहाँ कोई महाराष्ट्री पहुँचे तो उन्होंने कहा भाई यहाँ मंदिर नहीं है तो मंदिर बनवाओ, यहाँ पर 100 परिवार हैं। तो एक दो व्यक्ति वहाँ के आए, बोले महाराज जी हम मंदिर नहीं बनवाना चाहते हैं, मंदिर नहीं बनवाना चाहते हैं। तो बोले ठीक है तुम बनवाना मत मंदिर, मगर ये तो बता दो कि क्यों नहीं बनवाना चाहते हो। बोले यदि हमने यहाँ मंदिर बनवा लिया तो हमारे मम्मी पापा यहाँ आके रहने लगेंगे। ये बिल्कुल सच्ची घटना बता रही हूँ मैं, मतलब यहाँ तक जमाना पहुँच गया है। मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, तो अब आप समझ लें कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे, है ना। तो बात को यहीं समाप्त करें, समय हो गया है। मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रतनाथ का, पंखा में झलने का, बर्फ के गलने का, और भगवान के जमीन से निकलने का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का। अंगुली में रिंग का, अंगुली में रिंग का, और बच्चों के लिए जिम का, और आने वालों में टोड़ा राय सिंह का, महीनों में मई का, रजाई में रुई का, और आने वालों में बम्बई का, जंगल में नाग का, शहरों में बाघ का, और आने वालों में हजारीबाग का, चिड़िया में चीची का, फलों में लीची का, और आने वालों में रांची का। और कहाँ से आए हैं? अलवर, हाँ अलवर वाले हैं। पक्षी में पर का, शरीर में सर का, और आने वालों में अलवर का। अरुणाचल प्रदेश, अच्छा। भारत के वेश का, घोड़े की रेश का, और आने वालों में अरुणाचल प्रदेश का। काकरा, अच्छा। रंगों में हरा का, भोजन में बरा का, और आने वालों में काकरा का। बम्बई का बता दिया, मैनपुरी। स्वर्ग में परी का, त्याग में हरी का, चतुर्दशी है, त्याग में हरी का, और आने वालों में मैनपुरी का। किशनगढ़, बुढ़ापे में बड़बड़ का,
नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में किशनगढ़ का और आने वालों में रामगढ़ का, ये बड़ वाले इकट्ठे हो जाएं। पिंडरई महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में पिंडरई का। जयपुर पुर वाले और हैं क्या? गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का और आने वालों में जयपुर का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का और आने वालों में छिंदवाड़ा का। बस और हो गए सारे, कोई बचा तो नहीं? कोटा महिलाओं में आटा का, फूल में कांटा का और आने वालों में कोटा का। प्रतापगढ़ वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का और आने वालों में प्रतापगढ़ का। दिल्ली त्रियंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का और आने वालों में दिल्ली का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का और आने वालों में बांसवाड़ा का। बोलिए चौबीसों भगवान की। निम्न में पाने का और आप सबके पंच कल्याणक में